अस्सलाम वालेकुम अबूज़र ख़ान। और 6 मंथ्स मुझे हो गए हैं दुबई में। जब मैं यहाँ पे आया था 6 माह पहले, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं इस जगह पर इतना ज़्यादा टाइम गुजार लूँगा, और आगे प्लान भी कर रहा हूँ मज़ीद यहाँ पे टाइम गुजारने का। क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया था तो मेरा इनिशियल पर्पस जस्ट टूरिस्टिक पर्पस था, और मेरा प्लान ये था कि मैं यहाँ पर 2-3 मंथ्स गुजारूंगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट कतर, और फिर उसके बाद अजरबैजान, और इस तरह से डिफरेंट कंट्रीज़ को विज़िट करने के बाद वापस पाकिस्तान में आ जाऊँगा। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मैंने फील की कि मैं काफ़ी ग्रो कर सकता हूँ, और अपने आप को, अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकता हूँ। डिफरेंट कंपनीज़ के साथ, लोगों के साथ काम करके मुझे काफ़ी सीखने का मौका मिल सकता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से 6 माह पहले मैंने ये डिसाइड किया कि मैं यहाँ दुबई में अराउंड 2 ईयर्स कम से कम गुजारूंगा, और फिर 2 साल बाद मैं मूव ऑन कर सकता हूँ शायद किसी और कंट्री में, या अगर मूव ऑन ना करना हुआ तो यहाँ पर मैं अपने स्टे को मे बी एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपसे ये शेयर करूँगा कि क्या चीज़ें मैंने रियलाइज़ की, या अभी मेरी क्या फीलिंग है, या क्या मैं सोचता हूँ दुबई को लेके आफ्टर स्पेंडिंग 6 मंथ्स इन दिस प्लेस। सबसे पहली चीज़ जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि दुबई एक बहुत ज़्यादा डाइवर्स जगह है, जहाँ पे आपको दुनिया के हर एक नेशनैलिटी वाले लोग मिल जाएंगे, और हर एक पार्ट से दुनिया के लोग यहाँ पे आते हैं। कुछ टूरिस्टिक पर्पस के लिए आते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो अपने प्रोफेशनल पर्पसेस के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, या न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करने के लिए यहाँ पे आते हैं। सो वट एवर द रीज़न इज़ मे बी, द थिंग इज़ के दुबई इज़ दी ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड के जहाँ पे यहाँ के जो लोकल्स हैं उनकी तादाद कम है, वो जस्ट 10-15% हैं, और जो दूसरे एक्सपैट्स हैं जो दूसरी कंट्री से यहाँ पे आए हुए हैं उनकी तादाद अराउंड 85-90% है। सो विच मेक्स इट अ वेरी डाइवर्स प्लेस। ये चीज़ मैंने पहले भी एक वीडियो में मैंशन की थी जब मैं यहाँ पे आया था, और 1 मंथ मैंने यहाँ पे स्पेंड किया था, और 6 मंथ्स के बाद नाउ आई स्ट्रॉन्गली बिलीव यस दिस इज़ दी ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड के जहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी मिल सकती है। और बहुत ज़्यादा मैं हैरान भी होता हूँ कि कैसे दुबई की गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को कंट्रोल करती है, क्योंकि एक तरह की नेशनैलिटीज़ या एक तरह के बैकग्राउंड के लोगों को कंट्रोल करना या उनके लिए लॉज बनाना थोड़ा सा सिंपल होता है, एज़ कम्पेयर टू जब ऐसे सिचुएशन हो कि जहाँ पे अपने लोकल्स आपके कम हों और दूसरे लोग ज़्यादा हों, तो फिर उनको मैनेज करना या उनके लिए लॉज बनाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। सो दिस इज़ ग्रेट, दुबई गवर्नमेंट इज़ डूइंग रियली अ ग्रेट जॉब। सो द सेकंड पॉइंट इज़ कि दुबई बहुत ज़्यादा सेफ कंट्री है। अभी कितनी सेफ है इस चीज़ को मैं इस एग्जांपल से, छोटे से एग्जांपल से आप लोगों को समझा सकता हूँ कि यहाँ पर जो मोस्टली लोग रहते हैं उनके, जब वो अपने घरों से बाहर जाते हैं तो उनके अपार्टमेंट्स और जो भी अपने घरों के जो दरवाजे हैं वो खुले होते हैं, और बिल्कुल भी एक, जब वो अपने घरों से बाहर होते हैं तो बिल्कुल भी ये उन्हें एक तरह से भी कोई फियर नहीं होता कि हमारे घर में कोई आ जाएगा या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो अभी मैं यहाँ पर जैसे आउटडोर एक जगह पर बैठा हूँ, तो मैं अभी मेरा लैपटॉप है, मोबाइल या ये सब चीज़ें, कैमरा वगैरह छोड़ के अगर मैं यहाँ पे इसको रख के कहीं चला भी जाऊँ, कुछ मुझे अगर वॉशरूम जाना है या कुछ खाना है मैंने, तो अगर वो मैं सारी अपनी एक्टिविटीज़ करके ये सारी चीज़ें यहीं पर पड़े रहने दूँ, तो मुझे इतनी, यानी ऐसे मुझे करना तो नहीं चाहिए ऑफकोर्स, बट ये कि अगर मैं ऐसा कर भी दूँ तो फिर भी मुझे इतना कोई एक फियर नहीं होगा माइंड में कि यार कोई मेरी चीज़ों को ले के जा सकता है या कुछ मसला हो सकता है। सो मुझे 6 महीने में मैंने कभी भी कोई ऐसा केस नहीं देखा कि किसी की कोई चीज़ घूम गई हो, या कुछ लड़ाई वगैरह, कुछ फाइटिंग मैंने कुछ ऐसा यहाँ पे नहीं देखा। सो विच इज़ वेरी गुड। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आप अपने माइंड को फ्री कर सकते हैं इन तमाम एक्स्ट्रा फियर से, और आप फोकस कर सकते हैं टूवर्ड्स योर सेल्फ एंड टूवर्ड्स योर लाइफ। सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग कि किसी भी किस्म का क्राइम यहाँ पे नहीं है, और द पुलिस इज़ वेरी स्ट्रिक्ट इन केस के अगर आप लड़ाई कर रहे हैं या कोई चीज़ अगर गुम हो गई है। सो या यू शुड बी वेरी केयरफुल जब आप यहाँ पे आए, तो इस तरह की किसी भी कोशिश करें कि एक्टिविटीज़ में किसी से लड़ाई झगड़े से बिल्कुल आप दूर रहे। सो विच विल बी गुड फॉर बोथ ऑफ यू। दुबई बहुत ज़्यादा सेफ है, और दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंस दैट आई रियली रियलाइज जब मैं यहाँ पे आया, और यस दिस इज़ वन ऑफ द थिंग दैट आई रियली लव अबाउट दुबई। ओके, सो इसके बाद जो मैं बात करना चाहता हूँ वो है कॉस्ट ऑफ लिविंग की। मैं इससे पहले जिस कंट्री में रह रहा था, ऑफकोर्स अपनी कंट्री में पाकिस्तान में, वहाँ वो दुनिया की सेकेंड मोस्ट चीपेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड। तो जब मैं वहाँ से शिफ्ट हुआ टू वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी और एक्सपेंसिव कंट्री इन द वर्ल्ड, तो इट डज मेक
अ लॉट ऑफ डिफरेंस, तो जो डिफरेंस मैंने काफी ज्यादा फेस किया भी और अभी तक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आप लोग लाखों दिरहम एक ही रात में खर्च करना चाहें तो बड़े इजीली है, आपके आपके पास बड़े ऐसे ऑप्शंस होंगे कि जहाँ पर आप बहुत ज्यादा एक्सपेंस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बड़ा मिनिमल और बजट लाइफस्टाइल भी गुजारना चाहें तो उसके अंदर भी जो सबसे बड़ा आपका एक एक्सपेंस होगा वो होगा आपके रेंट का। ये मैंने जब एक वीडियो बनाई थी हाउ एक्सपेंसिव दुबई इज, तो उसमें ये चीज़ मैंने मेंशन की थी कि जो सबसे बड़ा आपका एक्सपेंस होगा वो रेंट का होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जैसे मैंने कहा कि रहते हैं और लैंड की साइज़ को आप इंक्रीज़ नहीं कर सकते। तो जब उसके साइज़ को इंक्रीज़ नहीं कर सकते तो उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है यहाँ पे दुबई में, और आप फूड को, ट्रैवल को, इन सब चीज़ों को बड़ी ईजिली मैनेज कर सकते हैं। लेकिन रेंट इज़ समथिंग के जहाँ पे अ बिग चंक ऑफ योर सैलरी और इनकम आपका यहाँ पे चला जाएगा। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम हेयर, क्योंकि एक बड़ा सिंपल सा रूम अगर आप लेना चाहें तो वो आपको उस प्राइस में मिलेगा कि जहाँ पे पाकिस्तान में शायद आप बहुत अच्छा एक घर ले सकते हैं रेंट पे। सो और अगर आप लोग शहर से थोड़ा सा बाहर कुछ रहे जहाँ पे मेट्रो नहीं है या कुछ लोकल ट्रांसपोर्ट की अच्छी नहीं है, तो वहाँ पर अगर आप रहते हैं और अगर आपके पास अपनी कुछ अपनी आपके पास गाड़ी वगैरह है तो फिर आप वहाँ पे कुछ आपको फ्लैट्स ऐसे मिल सकते हैं जिनका रेंट कुछ कम होगा। लेकिन इनसाइड द मेन दुबई यहाँ पे रेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। दिस इज़ द मेजर डिफरेंस के जो मैंने फील किया। इसके बाद जो एक चीज़ मैंने बड़ी अच्छी चीज़ नोटिस की वो ये कि यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं ज़्यादातर, जैसे मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि ज़्यादा अपने प्रोफेशन को एक्सपैंड करने के लिए आते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए आते हैं। तो एक ऐसा कल्चर यहाँ पे बना है कि हर बंदा स्ट्रगल कर रहा है अपने फ्यूचर को अच्छा करने के लिए या एटलीस्ट टू डू समथिंग फॉर देमसेल्व्स। तो जब आप ऐसे ग्रुप में या ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे आप रहते हैं कि जहाँ पे हर बंदा कोई ना कोई नई चीज़ करने की कोशिश कर रहा है, तो आपके अंदर भी एक सेंस ऑफ मोटिवेशन आ जाती है कि मैंने भी अपनी लाइफ में कुछ करना है। ऑल्दो कंपटीशन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आई ऑलवेज सी द कंपटीशन एज एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होता है वहाँ पे डिमांड भी ज़्यादा होती है। और वी शुड सी आवर कंपेटिटर एज आवर कोलीग्स, नॉट एज आवर एनिमीज, क्योंकि आप अगर आप अपने कंपेटिटर के साथ मिलके काफ़ी कोलैबोरेट कर सकते हैं और काफ़ी चीज़ें ऐसी कर सकते हैं कि जो आप अकेले नहीं कर सकते। सो कंपटीशन इज़ गुड इन मैनी वेज। और वैसे भी जो मोस्टली यहाँ पे लोग हैं वो खुश होते हैं दूसरों की सक्सेस को देख के, वो अप्रिशिएट करते हैं आपके अच्छे टाइम को, जो कि ऐसी चीज़ें काफ़ी कम जगहों पे ही आपको देखने को मिलती हैं। बट हेयर इन दुबई व्हाट आई रियलाइज के लोग यहाँ पर आर ओपन टू नेटवर्क, टू लर्न, टू ग्रो, टू हेल्प यू, टू प्ले देयर पार्ट। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने फील की हैं अभी तक 6 मंथ गुजारने के बाद दुबई में, कि ये डाइवर्स है, कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ी सी हाई है एज़ कम्पेयर टू मैनी अदर कंट्रीज, लर्निंग की काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ग्रो करने की काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एंड इट्स अ सेफ प्लेस। और इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा हूँ, लेकिन वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो एक और चीज़ के जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि क्या दुबई स्टिल इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, या अभी कोरोना के बाद यहाँ पे कोई इतना अपॉर्चुनिटीज़ या ग्रोथ नहीं है। सो विच आई एम प्लानिंग टू रिकॉर्ड अ सेपरेट वीडियो रिलेटेड टू दैट टॉपिक, कि क्या दुबई में अभी भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को मिल सकती हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और आज की वीडियो में अगर आप लोग भी दुबई में रह रहे हैं, कोई चीज़ मैंने स्किप कर दिया, सो यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और या आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड गुड बाय, टेक केयर।